हेलो फ्रेंड्स my नेम इज आंझल एंड यू आर watching our चैनल द Inside Coders. So let's स्टार्ट सो so, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुकी हूँ और आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए थे मेरे पास और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी अलग अलग मीडियम्स पे कि मैं काफ़ी वीडियोस और लाऊं इस पर तो फिलहाल मैं कुछ फाइव टॉपिक्स पे एम सी क्यू क्वेश्चन की वीडियोज़ और कुछ पिछले अपना जो टी सी सी पी ओ पी हमारे हो चुके हैं उनकी वीडियोज़ बना चुकी हूँ तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखें आप अगर न्यू हैं तो इस वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है थोड़ा सा टेन मंथ्स के बाद शायद मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करी है, सो इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड थोड़ा सा अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं बस इतना बताना चाह रही थी कि अगर आपको टी सी सी पी ए का चाहते हैं या फिर टी सी एस कोडविटा जिससे आने वाला है तो कोडविटा पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं इन्फोसिस का इन्फी टी क्यू हो गया इन्फोसिस में कैसे कैसे जा सकते हैं आप डेटा स्ट्रक्चर्स डा और बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखेगा और क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफ़िकली ऊप्स का है तो ओप्स के ऊपर मैंने स्पे, स्पेशली थी मैं और जब हमारी उप की प्लेलिस्ट आ चुकी थी उसके बाद ही मैंने इन वीडियोस को अपलोड किया था तो अगर आपने की की नहीं नहीं देखी अगर आपको के बेसिक से क्लियर नहीं है, के छोटी है देखो आप देख सकते हैं दस बारह सात तो ऑन एन एवरेज टेन मिनट की वीडियो है एक और तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको पहले स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को जरूर बिल्ड करें एंड देन गो टू द क्वेश्चंस तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ओके okay, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स कम टू दैट पॉइंट तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि हमें क्लास क्रिएट करनी है एसोसिएट नाम से और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें उसमें ये वाले कुछ फील्ड्स को कंसीडर करना है तो यहाँ पर कुछ आईडी है नेम है टेक्नोलॉजी है और कुछ एक्सपीरियंस है ईयर्स में और आपको बता रखा है कि वो किस डेटा टाइप का रहने वाला है तो नेक्स्ट आपके पास है क्लास जो क्लास है क्लास सोल्यूशन टाइप की

पायथन uh, uh, में तो उसका नाम जनरली होता है क्लास मेथड सो दे आर वन एंड द सेम थिंग उसके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर हम एक मेथड इंप्लीमेंट करना है जिसका कुछ ये नाम है ये मेथड लेता क्या है दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है एक तो ऑब्जेक्ट्स और एक सर्च टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी कुछ यहाँ पे था जिसके बिहाफ पे हम कुछ सर्च लगाने वाले हैं तो ये दो पैरामीटर्स हमारे जाने वाले हैं इस फंक्शन के साथ तो अभी हमने देखा एक हमारे पास क्लास है

सिचुएशन को कहता है कि वेयर जो सर्च टेक्नोलॉजी है वो मैच करनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की टेक्नोलॉजी से मतलब जो हम टेक्नोलॉजी नीचे लेने वाले हैं वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की टेक्नोलॉजी से मैच करनी चाहिए दिस इज द फर्स्ट कंडीशन मे बी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे आपको 1 सेकंड के अंदर समझ आ जाएगा <clears throat> और एक चीज जो मैंने आपको पहले भी स्पेसिफाई किया था बहुत छोटा सा लिखा होता है मैंने तो पे कलर भी चेंज करा लिखा होता है कि केस इनसेंसिटिव सर्च आपको लगानी है और ये बच्चे मिस कर जाते हैं जिस वजह से उनके प्राइवेट टेस्ट केसेस काफी बार फेल होते हैं और ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी सेकेंड कंडीशन यहाँ पर हमें गिवन है कि उसमें कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी था वो हमेशा फाइव का मल्टीपल होना चाहिए तो दो कंडीशन है सर्च टेक्नोलॉजी मैच करनी चाहिए और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शुड गिव रिमाइंडर एज जीरो और कुछ यहाँ पर और थोड़ा बहुत लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं कमिंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट टाइप तो अभी हमने देखा था कि जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर ये कुछ चार एट्रीब्यूट्स थे जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे राइट तो अब हमारे पास गिवन है कि हमारे पास पांच ऑब्जेक्ट्स रहने वाले हैं जिसको मैंने यहाँ पर कलर भी डिफरेंट करा हुआ है कि सो दैट यू आर एबल टू इजिली ग्रेस्ट थिंग कि हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं

क्या इसके अंदर है नहीं इसके अंदर तो यूनिक्स है क्या इसके अंदर जावा है नहीं इसके अंदर भी नहीं है क्या इस वाले के अंदर जावा है येस और क्या इसके अंदर जावा है यस इसके अंदर भी है

105 101 104 था। देखते इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है तो फिलहाल के लिए मैंने क्या करा है यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन लिख लिया है जस्ट कि इधर उधर स्विच ना करके हम ऊपर नीचे से आराम से काम कर पाएंग टू द थिंग मैंने बताया था जनरली हम दो क्लासेस बनाते हैं द वेरी फर्स्ट क्लास इज द क्लास एसोसिएट तो आप ट्राई करें कि आप वहां पर नेम सेम रखें मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रही हूँ बट अगर आप वहां पर कॉपी पेस्ट करने का सोचेंगे देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल टी के जितने भी कंपाइलर्स हैं, चाहे आप इन सेंटर दें चाहे आप घर से बैठ कर दें उनके कंपाइलर्स में कॉपी पेस्ट नहीं चलता बच्चे क्या यहाँ करते हैं बहुत सारी चीज को यहाँ पे कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और सारा हट जाते हैं और कंट्रोल जी से वापस भी नहीं आता सो मेक श्योर आप कॉपी पेस्ट ना करें हाँ अगर आप टी का पी दे रहे हैं और उस पी में आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है और उसको आपको मतलब क्लियर करना है ठीक है तो उस टाइम पे आपका हैकर रैंक पे होता है तब वहां पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली बट नॉट हेयर तो अभी हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास ये कुछ चार एट्रीब्यूट थे जिनको हमें कंसिडर करना था तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया हुआ है कि जब भी अपने को कुछ वेरिएबल्स uh, को इनिशियलाइज करना होता है ऊप्स के अंदर तो हमारे पास वो चीज काम करने के लिए मल्टीपल वेज हैं लाइक द वेरी फर्स्ट वे इज जो अपने पास सिंपल रेफरेंस वेरिएबल देन गेटर्स एंड एंड सेटर्स बेस्ट वे वाज कंस्ट्रक्टर तो हम यहां पे सबसे ऑप्टिमल और बेस्ट वे से चलेंगे तो आपको पता होगा कि जावा में हम सॉरी पाइथन के अंदर हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट लिखते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन जाता है और इसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स को कंसीडर करना था राइट right? अगर आपको ये चीजें न्यू लग रही हैं और यू आर नॉट फ्रॉम द पाइथन बैकग्राउंड और आप इसको सीखना चाहते हैं है है जो बहुत कम टाइम में सीख सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी मैं उसका लिंक बना चलो स्पेसिफाई कर दूंगी प्लीज उसको आप जरूर ध्यान दें राइट सो कमिंग टू द क्वेश्चन अब हमारे पास क्या था और हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर में हम कैसे लिखते हैं सेल्फ डॉट जो भी वेरिएबल का नाम है उसके बाद हम वही वेरिएबल लिख देते हैं बट आईडी क्योंकि इनका एक अपना स्पेसिफिक एक इनबिल्ट भी है जिसका नाम आईडी होता है इस वजह से हम इसको यहाँ पर आईडी डी वन ले लेते ले हैं दैट वुड बी बेटर फॉर अस सेकेंड हमारे पास था सेल्फ डॉट नेम तो यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं जिसको हम एज एन आर्ग नीचे से पास करा लेंगे सो दिस वॉज कॉमा नॉट फुल स्टॉप सो थर्ड वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर आपको बस स्पेसिफाई क्या होता है कि आपको सेम नेम्स यूज करने चाहिए और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सेम नेम्स यूज़ करें दैट वुड बी बेटर बट अगर आप नहीं भी करते दैट फाइन एंड हम यहाँ पर भी उसको साइड बाई साइड लेके चलते रहते हैं एंड थर्ड वन इज ठीक है तो हमने फिलहाल अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया है और मैं जनरली सबको यही स्पेसिफाई करती हूँ कि आपको ऊपर नीचे करने से बेटर क्या है कि जो आपकी मेन क्लास है वो भी आप साथ के साथ बना ले दैट वुड बी बेटर एंड इजी फॉर अस बिकॉज आपके पास डायरेक्टली यहाँ से नेम्स आप लिख सकते हैं देखकर क्योंकि कॉपी पेस्ट वहाँ पे अलाउड नहीं था राइट तो सबसे पहले तो हमें अपना लूप चलाना कुछ था कुछ एन नंबर ऑफ टाइम्स तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स ही लूप चलाना है दैट वाज फाइव सबसे फर्स्ट इनपुट अपने पास तो so, उस इनपुट को हमें कहीं लेना पड़ेगा सो लेट अस टेक इट इन अ सिंपल वेरिएबल दैट इज एन क्योंकि एक इंटीजर है तो हमें पहले लिखना पड़ेगा एंड और उसके अंदर हम लिख देते हैं सिंपल इनपुट राइट नेक्स्ट हमारे पास गिवन था कि हमें ये सारे इनपुट्स लेनी है और ये कब तक कितनी बार लेनी है इन टाइम्स तो उसके लिए अब हमें लूप लगाना पड़ेगा सो so रेंज और लूप कब तक चलना है अपने पास इन तक चलना है चलाना है हमें ठीक है तो हमें ये सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर इनपुट लेना था आई नीड टू सी डू कंट्रोल सी सो ये हमारे पास सबसे पहला क्या था एक इंटीजर टाइप का सो लेट इट बी एंड और उसके अंदर हम ले लेते हैं इनपुट और इसी तरह से हमें चार लेने थे सबसे पहले एक था फिर नेम था अपने पास और फिर उसके बाद थी टेक्नोलॉजी और फिर उसके बाद था अपने पास इयर्स इन एक्सपीरियंस और एक जो मैं छोटी सी गड़बड़ यहाँ पर कर चुकी हूँ वो ये था कि जो हमारे पास नेम और टेक्नोलॉजी था दैट वाज स्ट्रिंग सो हमें यहाँ पर इसको सिंपल इनपुट लेना था इंस्टेड ऑफ इंट इनपुट और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंटीजर है इसलिए उसको मैंने यहाँ पर इंट इनपुट लिया करेक्ट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो वहां पर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड था कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है इन एसोसिएट्स का ठीक है अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट तो अब हमें क्या करना है हम एक काम करते हैं वेरिएबल बना लेते हैं कुछ भी एरे एसोसिएट्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग से मैंने इनिशियलाइज करा है अब इस लिस्ट के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स डाले अब ऑब्जेक्ट्स पांच भी हो सकते थे दस भी हो सकते हैं पचास भी हो सकते अब हमें नहीं पता कि इनके प्राइवेट टेस्ट केसेस में कितने हैं जैसे कि फिलहाल इस वाले सिनेरियो के अंदर अपने पास फाइव थे

बेसिकली तीन तरह के मेथड्स होते हैं क्लास मेथड सेटिक मेथड एंड द इंस्टेंस मेथड्स तो इंस्टेंस मेथड के अंदर जब भी वो कॉल होता है तो में में इंस्टेंस मेथड जो जो भी आपने कॉल करा जो हमारा कंपाइलर है उसका सबसे फर्स्ट टास्क क्या होता है कि उसके अंदर वो भेजता है आपके पास सेल्फ अब इस सेल्फ के अंदर क्या होता है कि से आपने एस वन ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करा तो ये आपके पास क्या भेज देस वन और साथ में ये जो एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट ये तो भेज ही रहा है

और एक छोटा सा काम हमने और करना था लूप के बाहर आकर मोस्ट इंपॉर्टेंटली लूप के बाहर हमें एक सर्च टेक्नोलॉजी नाम का एक वेरिएबल चाहिए था जो हमें यहाँ पे बोला गया था जिसके बेसिस पर हमें सर्च करना है मैच करने की ये वाला जो सर्च टेक्नोलॉजी है वो इस टेक्नोलॉजी के बराबर है कि नहीं तो वो तो हमें एक ही बार चाहिए तो हम क्या करते हैं उसको बाहर ले लेते हैं लेट इट बी सर्च टेक्नोलॉजी ओनली ठीक है अब ये क्या है स्ट्रिंग है तो हम क्या लेंगे सिर्फ और सिर्फ इनपुट राइट right. ठीक <coughs> अब अपने को क्या करना था एक और क्लास हमें बनानी थी जिसका नाम था हमारे पास सॉल्यूशन तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वापस से आते हैं बाहर और एक और क्लास बना लेते हैं लेट द नेम बी सॉल्यूशन आई कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है थी बट ओके नो इश्यूज लेट्स मेक इट इज द क्लास अब इस क्लास के अंदर अपने को बोला गया था कि इस नाम का अपने को फंक्शन बनाना है सो लेट्स डू दैट अब हमें जो फंक्शन बनाना था वो स्टैटिक फंक्शन था और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया हुआ है कि जो स्टैटिक फंक्शन होता है उसको हम जा, पाइथन में किस एनोटेशन से लिखते हैं क्लास मेथड और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अभी तो यहाँ पर ऑटो सजेस्ट कर देता है और मैं जस्ट लिख के ही एंटर प्रेस कर खुद से लिख देता है बट उस कंपाइलर में आपको ऑटो सजेशन नहीं मिलती तो ये छोटे छोटे आपको ध्यान रखनी चाहिए कि में कैसे लिखे जाते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है ओके, okay, so एक फंक्शन बनाना था जिसका नाम कुछ इस तरह से था, क्योंकि ये क्लास मेथड है तो यहाँ पर सेल्फ के बजाय हमारे पास ऑटोमेटिकली लिखा आ गया कि किस क्लास से हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था कि सबसे पहले अपने को भेजना है एसोसिएट्स का एरे दिखा देती हूँ मैं आपको तो यहाँ पर बोला हुआ था दिस मेथड विल टेक एन एरो ऑफ एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स एंड अ सर्च टेक्नोलॉजी तो दो पैरामीटर्स अपने को पास करने थे सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एंड सेकंड वन वाज द सर्च टेक्नोलॉजी जो हमने नीचे बनाया लेट इट बी द सेम नेम हेयर इट या चलो यहाँ पर हम उसको सिर्फ सर्च टेक रख लेते बिकॉज दिस इज एन लोकल वेरिएबल राइट अब इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन थी सबसे पहली कंडीशन अपने को ये बोला गया था कि जो सर्च टेक्नोलॉजी जो अभी हमने आर्ग्यूमेंट में मंगवाया है ये उस ऑब्जेक्ट के सर्च टेक्नोलॉजी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अब हमारे पास कहीं सारे ऑब्जेक्ट रिलेटेड फाइव टेन फिफ्टी कितने भी हो सकते हैं अब उनको एक्सेस करना है क्योंकि एक से ज्यादा है तो लूप लगेगा तो फॉर आई एन लिस्ट तो लिस्ट का नाम क्या था एरे एसोसिएट्स राइट अब एक इफ कंडीशन लगानी थी ठीक है इफ कंडीशन क्या कहती है हमें पर? कि अगर जिस तो आई के अंदर पा तो हमारे पास दिस इज फर्स्ट टाइम वापस से लूप चलेगा तो आई के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट उठ कर आएगा तो आई के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ओके okay? अब उस ऑब्जेक्ट से मेरे को सारी चीज नहीं चाहिए मुझे उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ चाहिए टेक्नोलॉजी तो मैंने उसका नाम क्या रखा था उसका नाम मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी रखा था तो हम सेम ही यहाँ पर यूज करते हैं अब अपने को मैच करना है कि जो उस ऑब्जेक्ट की टेक्नोलॉजी है ऑब्जेक्ट क्या था जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाले ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं सॉरी यहां से यहाँ तक तो इसकी टेक्नोलॉजी तो आई डॉट टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी के बराबर होना चाहिए जो इस सर्च टेक के अंदर आएगा ठीक है अगर तुम कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी उसको आगे जाना और साथ में आप देख सकते हैं कि एक सॉरी साथ में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक यहाँ पर और आया था अभी हम इसको बंद कर देते हैं मेरे से कुछ गलती से मोड में या कहीं और चला गया है ठीक है मेरे से कुछ प्रेस हो गया था नो इश्यूज तो हमें साथ में एक कंडीशन और डालनी थी और कंडीशन अपने पास क्या थी कि हमें यहाँ पर चेक करना था कि उसका जो मल्टीपल ऑफ फाइव वाला ये जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो फाइव का मल्टीपल होना चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे उसको आई डॉट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या था ये वाला वेरिएबल ठीक है ये क्या होना चाहिए अगर मैं इसको फाइव से डिवाइड करती हूँ तो ये मुझे डबल इक्व टू जीरो देगा सिर्फ और सिर्फ मैं तब इसको कंसिडर करूंगी अदरवाइज आई एल नॉट कंसिडर इट ठीक है अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो मुझे कुछ करना है बट एक चीज जो मैंने आपको पहले बहुत फोकस से बोली इनसेंसिटिव सर्च होनी चाहिए बिकॉज प्राइवेट टेस्ट केसेस में ऐसे कई बार हो जाते हैं कि यहाँ पर जावा कैपिटल जे के साथ लिखे यहाँ पर क्या पता जावा सिर्फ स्मॉल के साथ होता कहीं पर जे एवीएफ सारा ही कैपिटल होता तो केस इनसेंसिटिव सर्च आपको यूज करना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है हम यहाँ पर लगाते हैं डॉट लोव ठीक है तो ये हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन होते हैं सेम फंक्शन हम यहाँ पर भी कॉल कर देंगे

उसकी आईडी डी राइट तो उसकी आईडी किसके अंदर आ रही थी आईडी नाम के वेरिएबल में क्योंकि इधर साइड मैंने सिर्फ आईडी लिया अगर आप इधर साइड भी आईडी डी वन लेते तो आप यहाँ पर आईडी डी वन पास कर सकते थे ठीक है अब मेरे पास रिजल्ट आ गया सारा कुछ हो गया बट अब इस सॉल्यूशन क्लास को सिर्फ रिजल्ट पता है बट मुझे प्रिंट तो यहाँ पर मेन में कराना था तो इसके लिए यहाँ से तो अपने को रिजल्ट को रिटर्न कराना पड़ेगा राइट right? तो हम रिटर्न कहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर रिटर्न क्या कराना था रिजल्ट

फिर हम फुल स्टॉप करके लिखेंगे उस मेथड का नाम और उस मेथड के अंदर हमें कुछ भेजना था क्या क्या भेजना था एक तो array भेजना था एरेट का और एक सर्च टेक्नोलॉजी right? तो और जैसे ही उसने सारा कुछ कंप्यूट करा तो ये रिटर्न होकर अपने पास इस answer के अंदर आ गया अब हमें कैसे उसको प्रिंट कराना था रिजल्ट के अंदर तो अब ये 101, 104. अब हमें उसको अलग अलग तो लाइन में कैसे प्रिंट आंसर और बस हम सिंपल क्या करा देंगे प्रिंट आई ओके आई गेस वी आर डन विद आर कोड लेट्स डू वन थिंग एक बार इसको टेस्ट करते हैं कि इज इट वर्किंग फाइन और नॉट तो यहां से मैंने इसको कॉपी करा हम इसको राइट right क्लिक करके रन कर लेते हैं एंड हेयर इज द थिंग जैसे से मैं प्रेस करूंगी सो इट इज गिविंग मी द आंसर वन जीरो वन एंड वन जीरो फोर

एट दी एंड यूजर से लेना भी तो है ना तो वो यूजर से हम यहाँ पर ले रहे हैं कि कौन कौन से इंटीजर्स हैं और कौन कौन से अपने पास स्ट्रिंग्स हैं तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इनपुट लिया फिर हमें एक एरे बनाना था तो उसका आप कुछ भी नाम ले सकते हैं जैसे मैंने एरे एसोसिएट्स नाम से लिया उसको एक हमने इनिशियलाइज कर दिया ग्लोबली जिसको हम पूरे कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं ठीक है चीके? तो हमने क्या करा इस uh, क्या कहते हैं एरे के अंदर अपने ने यहाँ पर अपेंड करते गए हर ऑब्जेक्ट को क्यों करा हमने ये लूप के अंदर रीजन बींग एक लूप के अंदर अब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं पांच ऑब्जेक्ट्स आने थे तो पांच के पांच हमने एक एरे के अंदर अपेंड करे फिर हमें बोला गया था कि एक सर्च टेक्नोलॉजी नाम का अलग से वेरिएबल है जो आपको एक ही बार लेना है जो हमने अलग से लिया जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जावा था जिसको हम अलग से देख रहे थे अगर मैं यहाँ पर कोड में वापस से दिखाऊं आपको तो हमारे पास जावा नाम का एक अलग था जिसको हमें चेक करना था कि किस किस के अंदर वो आ रहा है राइट right? तो ये जावा हमने लूप के बाहर लिया क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल इनपुट लेनी थी फिर आपने एक सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई थी स्टैटिक मेथड बनाया विध एट द रेट क्लास एनोटेशन उसके अंदर हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी वो वो हमने इनपुट लिए फिर हमने एक लूप लगाया और हमें दो कंडीशन चेक करनी थी कि टेक्नोलॉजी मैच करनी चाहिए जो हम नीचे से मंगवा रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस वाइफ का मल्टीपल होना चाहिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे इसलिए एंड लगाएं और लोवर केस हमने लगाया क्योंकि हमें केस इनसेंसिटिव सर्च करना था अगर तो ये होता है तो हमने रिजल्ट नाम का एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट के अंदर अपने अपेंड कर दिया क्या अपेंड कर रहा उसकी आई

मतलब आया है कि प्लीज उसके ऊपर भी वीडियो बनाए बट मेरे को अब तक उसका क्वेश्चन नहीं मिला है तो प्लीज अगर आप में से किसी के पास भी क्वेश्चन है तो प्लीज प्रोवाइड मी द क्वेश्चन सो दैट आई कैन कम वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट फ्रॉम माय साइड थैंक यू